All right. So this is what we have done till now. Then India has had strong geographical and historical link with her neighbors. ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो जो उसके neighbors हैं, इन neighbors के साथ में उसका एक बहुत historical connection है, also geographical connection भी है. ठीक है, इनकी अपनी एक अलग importance है अगर आप देखें. ठीक है, तो यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर आपके चाइना आ रहा है, नेपाल आ रहा है. चाइना और इंडिया के काफी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं लैंड बाउंड्री को लेकर के. राइट, पाकिस्तान इंडिया के भी काफी डिस्प्यूट्स होते हैं लैंड बाउंड्रीज को लेकर के जम्मू कश्मीर एरिया के अंदर. ठीक है, ऑल्सो आप ये देखते हैं कि हम काफी ज्यादा ट्रेड भी करते हैं. रिसेंटली अगर आप देखें तो इंडिया ने एक प्रोजेक्ट साइन करा है, सेती डैम का प्रोजेक्ट है, नेपाल के साथ में ये साइन करा गया है. नेपाल ने इस पर्टिकुलर डैम के कंस्ट्रक्शन का वर्क इंडिया को दिया है. दिस इज अ वेरी वेरी रीसेंट न्यूज, 2 or 3 days बैक, आई थिंक 2-3 days बैक ही न्यूज है ये. इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो लाइन आपको बोल रही है कि किस तरीके से इंडिया के काफी स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक है उसके नेबर्स के साथ में, ये स्टेटमेंट इस लाइन को कन्फर्म यू नो स्पेसिफाई करता है, क्लैरिफाई करता है. अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं, डेली न्यूज चैनल भी अगर आप थोड़ा सा अपडेट रखते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस लाइन को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम डेली, आप डेली देखते हैं यू नो ट्रेड इज अ नेवर स्टॉपिंग एक्टिविटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. किस तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट यू नो रशिया के साथ में है, किस तरीके से हम चाइना से चीजें, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, गुड्स, आर्टिकल्स वी आर टेकिंग फ्रॉम चाइना. ठीक है, भूटान से हम क्या लेते हैं, देन यू हैव बांग्लादेश, यू हैव म्यांमार, यू हैव पाकिस्तान, यू हैव अफगानिस्तान. पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन थोड़े से बीच में खराब भी हुए हैं. ठीक है, ऑल्सो चाइना के साथ में भी हमने चाइनीज गुड्स को यहाँ पर बैन करा है ना. बट अगर आप अभी देखें रिसेंट में आपको न्यूज बताऊं तो नॉट ओनली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन लोकेशन, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होती है. रिसेंटली अगर आप देखें तो एक चाइनीज यू नो क्लासिकल डांसर को ट्रिब्यूट पे करा गया है इंडियन डांसर्स के द्वारा चाइना के अंदर, और वहां पर हमारे इंडियन इंडियंस प्रेजेंट भी रहे हैं. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कल्चरल इंटीग्रेशन. दैट इज व्हाई हमने जो बड़ा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया के नेबर्स के साथ में उसका कनेक्शन है, हाउ इंडिया इज हैविंग द कनेक्शन विद इट्स नेबर्स. राइट, है ना. श्रीलंका, श्रीलंका में अभी क्राइसिस आ रहे हैं तो आप देखें कि किस तरीके से इंडिया जो है वो श्रीलंका की हेल्प कर रहा है ना. काफी सारा वहां पे अगर आप देखते हैं ऑयल क्राइसिस आ चुके हैं, वहां पर बिल्कुल ऑयल भी बचा ही नहीं है. तो इंडिया जो है वो काफी हेल्प कर रहा है श्रीलंका की. ठीक है, सो वी शेयर रिलेशंस नॉट ओनली इन एनी वन स्पेसिफिक सेक्टर, बट हमारे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग नेशंस के साथ में काफी सारे रिलेशंस हैं. खाली एक हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही नहीं देखते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी एग्जिस्ट करता है, प्लस जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारी कंट्री की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफिकल लोकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ट्रेड में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. एंड देयरफॉर इसकी लोकेशन की वजह से ही कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा डिपेंडेंट होता है, कि कंट्री की जो प्रोग्रेस है, कंट्री का जो जीडीपी है, वो सारा का सारा उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ लोकेटेड है और जिस जगह भी वो लोकेटेड है उसके नेबर्स कैसे हैं, नेबर्स के पास में रिसोर्सेज हैं या नहीं है. हमारी कंट्री जो है वो रिसोर्स रिच रीजन है. राइट, तो हमारी कंट्री ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी आपको पता है किस तरीके से हमारी कंट्री इतना रिसोर्स रिच रीजन रही, यहाँ से कितना सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करा गया है ब्रिटेन में. ब्रिटेन में कितना एक्सपोर्ट करा गया था रॉ मटेरियल. राइट, और वहां से क्या आता था हमारे पास में, फिनिश्ड प्रोडक्ट आते थे जो कि हमारे ही रॉ मटेरियल के द्वारा बनाए गए थे ब्रिटेन के अंदर कंपनीज के द्वारा, और वो भी चीप गुड्स पर, वो हमको चीप रेट पर वो यहाँ पर हमें सेल करा करते थे. तो कहीं ना कहीं हर यू नो नेशन के साथ में आपकी कंट्री का रिलेशन होता है, चाहे वो कल्चरल रिलेशन भी हो सकता है जहाँ पर आप कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, लाइक कल्चरल एक्टिविटीज में यू हैव योर इंटीग्रेशन. ठीक है, जहाँ पर आप देखते हैं कि आप अपने डांसेस को एक्सचेंज करते हैं, आपके यहाँ कल्चर्स जो अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल दैट हमारे कंट्री में जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं
होली हो गया या दिवाली हो गया, वो बाहर के जो वेस्टर्न नेशंस हैं वहां पे भी सेलिब्रेट करी जाती है, राइट? इंडियंस जो वहां रहते हैं दे ऑल्सो सेलिब्रेटेड. तो दिस इज वॉट इज द हिस्टोरिकल कल्चरल एस्पेक्ट, कनेक्टिविटी है आपकी. कहीं ना कहीं इंडियंस की जो सिग्निफिकेंस है, जो इंडियन लैंडमार्क की सिग्निफिकेंस है, इतना रिच कल्चर हेरिटेज है इसका. यहाँ पर आप हेरिटेज देखेंगे, इट इज वेरी वेरी रिच, वेरी रिच हेरिटेज. क्यों? क्योंकि इतने लंबे समय तक यहाँ पर अलग अलग रूल करा है, ठीक है? मुगल डायनेस्टी ने रूल करा, गुप्ता डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल करा है, अकबर का रूल रहा, सबका रूल रहा, सबके टाइम में कुछ ना कुछ यहाँ डेवलपमेंट हुआ है. सो दैट इज वाई इसकी, इस पर्टिकुलर लैंडमार्क की जो सिग्निफिकेंस है उसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. द सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी डिनाइड इन एनी ऑफ द सेक्टर्स, चाहे वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, टर्शरी सेक्टर हो, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट, या फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्यों ना हो, राइट? इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने काफी ग्रोथ करी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस डेवलपमेंट्स दैट एग्जिस्टेड. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबर्स. नाउ हियर आई एम गिविंग यू अ ट्रिक टू रिमेंबर द नेबर्स. अब ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स के अंदर कि इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं, आप उनको मार्क करिए, मैप पर मार्क करिए, ठीक है? मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्क्ड आल्सो, राइट? तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स अगर हम देखें, तो यहाँ पर मैंने आपको छोटा सा एक ग्लिम्स दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, विथ बेसिकली उनके फ्लैग के साथ में, ठीक है ना? दिस इज द पिक्चर गिवन टू यू, प्रोवाइडेड टू यू विथ द नेशंस फ्लैग. आपको हमारी कंट्री का तो फ्लैग पता ही है. अदर जो हमारे नेबर्स हैं, लाइक वी हैव पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ्लैग कैसा है वो देखें आप, अफगानिस्तान का फ्लैग कैसा है, देन मालदीव्स का क्या फ्लैग है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, ठीक है? कई बार ये फ्लैग्स आपको कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं. दैट इज वाई मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट करके आपके इसमें डाली है, ठीक है? आपको फ्लैग्स भी पता होने चाहिए. एवरी टाइम लर्निंग समथिंग एक्स्ट्रा वेरी इंटरेस्टिंग इज ऑलवेज हेल्पफुल. अब देखो, इन मेंबर्स, इन नेबर्स को याद करने के लिए कि इंडियन लैंडमार्क के कौन कौन नेबर्स हैं, उसकी एक बहुत ही यहाँ पर अच्छी सी ट्रिक है. इस ट्रिक को अगर आप याद करते हैं तो आपको सारे के सारे हमारे नेबर्स के नेम्स याद हो जाएंगे, ठीक है? देखो, द ट्रिक इज बचपन एमबीए. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बचपन में आपने क्या कर लिया, एमबीए कर लिया. एमबीए आपको पता है एक कोर्स होता है, एक डिग्री होता है. तो आप इसको कुछ इस तरीके से याद करें कि आपने बचपन में ही एमबीए कर लिया है, ठीक है? अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं और हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज को ये रिप्रेजेंट करता है. देखो, बी ए विल बी स्टैंडिंग फॉर बांग्लादेश, ठीक है? बी ए इज बांग्लादेश. देन सी एच इज बेसिकली योर चाइना. देन यू हैव पी ए, पाकिस्तान. एंड देन एन, एन इज फॉर नेपाल. सो दिस इज वॉट, दिस इज योर बचपन, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका, बचपन हो गया. दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है? सो बी ए सी एच पी ए एन, है ना, बचपन. सो बी ए इज बांग्लादेश, सी एच इज चाइना, देन पी ए इज पाकिस्तान, एन इज फॉर नेपाल, ठीक है? देन यू हैव एम बी ए, एम इज फॉर म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार के लिए. देन बी इज फॉर भूटान, एंड देन ए इज फॉर अफगानिस्तान. ए किसके लिए है, अफगानिस्तान के लिए, ठीक है? सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक जिसको आप याद कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और यहीं से मैं आपको एक असाइनमेंट दे देती हूँ. यहाँ पर मैं असाइनमेंट लिख रही हूँ, प्लीज आप भी इसको नोट डाउन करें और आप इस असाइनमेंट को पढ़ने की कोशिश करें. व्हाट यू हैव टू डू, इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है? आपको एक मैप लेना है, पॉलिटिकल मैप लेंगे आप इंडिया का, और उस पॉलिटिकल मैप पे आपको नेबरिंग कंट्रीज लोकेट करनी है, ठीक है? मार्क द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी जो हमने यहाँ पर ये स्टडी करी है, सारी कंट्रीज इंडिया, इंडिया के जितने भी हमने नेबर्स की स्टडी करी है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर मैप ऑल्सो,
अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स, ठीक है, इन श्रीलंका ऑल्सो, इन सभी कंट्रीज को जो भी इंडिया के नेबर्स हैं, इनको आपको एक इंडियन पॉलिटिकल मैप पे मार्क करना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मार्क दीज कंट्रीज ऑन द मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है. तो आप इन सबको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे मार्क करेंगे, मार्क द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया ऑन द पॉलिटिकल मैप, ठीक है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पर आपको ये नेबरिंग कंट्रीज सारी मार्क करनी है, ठीक है. बिकॉज सी दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन लर्न, है ना. तो आप एक मैप लीजिए, उस मैप पर आप ऐसे डायरेक्शंस भी बना सकते हैं और इनको आप याद करें कंट्रीज को. अब हम एक बार फाइनली बुक से देख लेते हैं. ओके, सो वी डिड फ्रॉम हियर इंडियाज नेबर्स. ऑल राइट, सी आई विल बी टेलिंग यू समथिंग ऑल्सो दैट इज देयर इन योर बुक. सी द लास्ट दैट वी विल बी गोइंग थ्रू हियर इज, आपकी बुक में एक ये मैप दे रखा है, दैट इज फिगर 1.5, इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज, ठीक है, ऑन पेज नंबर 5. तो पेज नंबर 5 पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये मैप है इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज का. इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज का ये जो मैप दे रखा है, इस पर्टिकुलर मैप को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं. देखो, एडजेसेंट कंट्रीज क्या होंगी, एडजेसेंट कंट्रीज इज दैट ओनली जो कि आपकी क्या है, नेबरिंग कंट्रीज, है ना. कई बार आपसे एग्जाम में नेबरिंग कंट्रीज के बजाय ये भी बोला जा सकता है कि एडजेसेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं. तो एडजेसेंट कंट्रीज या फिर नेबरिंग कंट्रीज, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. आप कंफ्यूज नहीं हुए कि एडजेसेंट नेबर, हमने तो नेबरिंग कंट्रीज पढ़ा था, एडजेसेंट कहाँ से आ गया, है ना. नेबरिंग और एडजेसेंट एक ही बात है, सेम, वन एंड द सेम थिंग. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक हियर. व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रॉम हियर इज दैट इस पर्टिकुलर मैप को आप देखें, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दे रखा है, दिस इज योर की, है ना. इसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं. यहाँ देखिए आप, ये आपको एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पर, और इसमें आपको दो बाउंड्री के बारे में बता रखा है, एक है इंटरनेशनल बाउंड्री और एक है स्टेट बाउंड्री, ठीक है. वन इज योर इंटरनेशनल बाउंड्री एंड द अदर इज योर स्टेट बाउंड्री. इंटरनेशनल बाउंड्री को आप देखें कैसे बनाया है इन्होंने. देखो, एक थिक लाइन है, फिर थोड़ा सा बीच में स्पेस है, एंड देन यू हैव अगेन अ लाइन, ठीक है. ये आपकी क्या हुई, इंटरनेशनल बाउंड्री. सी आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री, वहीं अगर आप स्टेट बॉर्डर्स देखते हैं या स्टेट बाउंड्री देखते हैं, दिस इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री है या ये स्टेट बाउंड्रीज हैं, ठीक है. स्टेट बाउंड्रीज अगर आप देखते हैं तो बहुत ही बारीक 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 आप देख सकते हैं, छोटी छोटी लाइंस हैं, है ना, एज यू कैन सी ओवर हियर. सो दीज आर योर स्टेट बाउंड्रीज, या फिर क्या है, स्टेट बाउंड्रीज है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑल दीज आर योर स्टेट बाउंड्रीज, दिस इज योर केरला, दिस इज योर तमिलनाडु, ठीक है, दिस इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा. ये जो आपको यहाँ पर ये पूरी लाइन दिख रही है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टेट बाउंड्री. ये क्या है, आपकी स्टेट बाउंड्रीज है ना. इनको आप देखो कैसे मार्क कर रखा है, बहुत छोटा छोटा कट, यू नो, छोटा छोटा लाइंस बना रखा है, वेरी वेरी माइन्यूट लाइंस, ठीक है, वेरी माइन्यूट लाइंस. वही अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की, तो इंटरनेशनल बाउंड्री देखिए, आपको इस मैप में इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाते हैं. सी द इंटरनेशनल बाउंड्री, इट इज अ लिटिल बिट थिकर, है ना, थिक है एज कंपेयर टू दी स्टेट बाउंड्रीज. देखो इंटरनेशनल बाउंड्री कैसे, एक थोड़ी सी मोटी लाइन, फिर छोटी सी कट है. जस्ट हैव अ लुक कि किस तरीके से ये इंटरनेशनल बाउंड्री बना रखी है. और यहाँ पर ये देखो, ये स्टेट बाउंड्रीज हैं. व्हाट आर दीज, दीज आर योर स्टेट बाउंड्रीज. देयर इज अ डिफरेंस, है ना, इनकी लाइन की फॉर्मेशन में डिफरेंस है, स्टेट बाउंड्री की एंड इंटरनेशनल बाउंड्री की लाइन की फॉर्मेशन. ऑल राइट, ओके. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न ऑल द स्टेट्स, ठीक है. हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं,
उन सब के आपको नाम प्लस उनकी कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगेन यहीं से मैं आपको एक और असाइनमेंट, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर असाइनमेंट नंबर वन। देन फर्दर आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन मोर असाइनमेंट, दैट इज योर असाइनमेंट नंबर टू। असाइनमेंट नंबर टू इज मार्क ऑल द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स ऑन द पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगेन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पर आपको क्या करना है, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं प्लस उनके कैपिटल्स हैं वो सारे के सारे आपको मार्क करने हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं कि आपको आपकी बुक के अंदर यहाँ पर दे रखे हैं, अभी हमने देख रखे हैं, राइट। यू कैन सी सी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अब आपको इन सबकी क्या है, कैपिटल्स भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, है ना। तो इन सब के आप क्या है, कैपिटल्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। यू शुड नो द कैपिटल्स ऑल्सो, ओके। अब आप देखिए आपके आगे बुक के अंदर यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी है, दैट इज बेसिकली आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। आपकी बुक में आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। आई गिव यू 5 मिनट्स, आप इन क्वेश्चंस को देखें, रीड करें, ठीक है, एंड इनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। चलिए आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, जस्ट रीड द क्वेश्चंस एंड Try answering these questions. इन questions को answer करने की आप कोशिश करें। See the first question is, you what you have to do is you have to choose the correct option. You are given with 4 options over here, and you have to choose the correct option out of the 4 options. चारों option में से सही option कौन सा है? See the first question is. The Tropic of Cancer does not pass through. ये आपको असाइनमेंट भी दिया गया था कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताना है कौन कौन से स्टेट से निकलता है, उनको आपको मार्क भी करना था पॉलिटिकल मैप में, राइट। आइडेंटिफाई कौन से स्टेट से नहीं निकलता, इट इज आस्किंग इट डजंट पासेस थ्रू विच स्टेट। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, it doesn't passes through which state, doesn't passes through Odisha, right। Rajasthan se nikalta hai, Chhattisgarh se bhi nikalta hai aur Tripura se bhi nikalta hai, in tino states se nikalta hai। So it is asking, the question is basically asking not, the question is asking not, hai na। Then we have the easternmost longitude of India is, लॉन्गिट्यूड आपको पता है वो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जैसा कि हमने स्टडी करा था कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो बेसिकली आपके कैसे होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती है ना, जो कि आपकी ग्लोब पर होती है, ठीक है। ग्लोब पर आपकी जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। सो जो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, आपकी लॉन्गिट्यूड होती हैं, है ना। तो जो सेंटर में से लॉन्गिट्यूड निकलता है वो कौन सा होता है, 0 डिग्री वाला प्राइम मेरिडियन, ये हमने पढ़ा था, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है और वो आपके पूरे अर्थ को ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो दैट मीन्स कि आपसे ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि ऐसा लॉन्गिट्यूड जो कि आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो, बताइए ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी, कम ऑन आइडेंटिफाई, विच वन डू यू थिंक सो,
See, 97 degrees, 25 minutes east. See, students, also one thing I would like to tell you here. अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिग्रीज. इसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं ना. ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डिग्री. और यहाँ पर जो ये 7 के पास में जो लगा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड एज मिनट्स. इसको क्या रीड करते हैं, मिनट्स, है ना, डिग्रीज एंड मिनट्स. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके डिग्रीज हो गए, ये आपके मिनट्स हो गए, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, बिकॉज ये आपने असाइनमेंट भी, असाइनमेंट में भी किया है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली आस्किंग यू टू टेल द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया. अभी मैंने आपको बताया दिस इज योर प्राइम मेरिडियन जो सेंटर में से निकलता है, ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. तो ईस्टर्न मोस्ट आपका कौन सा होगा, ए 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट, बिकॉज देखो सबसे ज्यादा इनमें से कॉर्नर में सबसे एंड में यही वाला जाएगा ना, आपके लॉन्गिट्यूड ऐसे बनते हैं सारे, ठीक है. तो जो सबसे एंड में जाएगा दैट विल बी योर 97 डिग्रीज. After that, third question, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim. They have common frontiers with. अब आप ये states देखो ध्यान से, कौन कौन से states बोले हैं इन्होंने, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim. तो ये जितने भी states हैं, ये basically ऐसी कौन सी country है जिसके साथ में ये common land boundary बनाते हैं, question पूछा गया है आपसे. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, दे हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ, यानी कि एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ में ये सारे के सारे स्टेट्स की बाउंड्री बनती है. एंड द कंट्री इज नेपाल. कौन सी कंट्री है, नेपाल, ठीक है. देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन. इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरती ड्यूरिंग अ समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू. आप कौन से यूनियन टेरिटरीज में जाएंगे अगर आप कावरती विजिट करते हैं, तो अगर आप कावरती विजिट करते हैं तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाएंगे. दीज आर यूनियन टेरिटरीज, या आपकी यूनियन टेरिटरीज दे रखी है यहाँ पर. सो द यूनियन टेरिटरी दैट यू विल बी विजिटिंग विल बी लक्षद्वीप, ठीक है. तो हम लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वहां पर ये पर्टिकुलर प्लेस लोकेटेड है. सो इफ यू विश टू विजिट इन योर समर वेकेशंस कावरती, देन यू विल विजिटिंग लक्षद्वीप. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री व्हिच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी कंट्री बतानी है जिसकी लैंड बाउंड्री नहीं बनती है इंडिया के साथ. So that is your, obviously, Tajikistan, right. Okay. So ये हमने कुछ MCQ questions थे, multiple choice questions, वो हमने देखे हैं. So with this we complete your chapter number 1 of geography. ठीक है, हमने शुरुआत करी थी इंडिया साइज लोकेशन, जहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा, लोकेशन के बारे में स्टडी करा था, फिर हमने उसकी साइज के बारे में पढ़ा, कहाँ तक उसकी एक्सटेंड है, ठीक है, कितनी उसकी लैंड बाउंड्रीज है, और देन हम ध्यान वर्ल्ड पर आए, जहां पर हमने इंडिया की लोकेशन देखी, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया कौन से नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये, ठीक है. ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस मैप को आप याद करें, इस मैप को आप प्रैक्टिस भी करें, बनाए भी, बिकॉज इसमें सब कुछ दे रखा है आपके यहाँ, एक्सटेंड दे रखी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे रखे हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर मैप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो आप ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मैप में आपको बताया कि जो इंडिया की लोकेशन है वो कितनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, कहाँ कहाँ तक हमारा ट्रेड हो रहा है, कहाँ कहाँ तक हमारे यू नो कनेक्शन है, एयर रूट्स देखिए, दीज ब्राउन लाइन्स जो आपने दिखे दीज आर एयर रूट्स, ठीक है. देन यू हैव सी, दीज आर वॉट सी रूट्स, ये आपके सी रूट्स हैं, है ना, दीज आर योर सी रूट्स. देन वी ऑल्सो सॉ इंडियाज नेबर्स, एंड फाइनली
हम इस इंडिया के नेबर्स की स्टडी से हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं. हमने नेबर्स देख लिए, एक ट्रिक देखी इन नेबर्स को याद करने की, एंड देन वी कंक्लूडेड विद दिस पर्टिकुलर डूइंग दीज क्वेश्चंस. हमने इस पूरे चैप्टर को फिनिश करा है. ठीक है, रेस्ट जो यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं आप उनको प्रैक्टिस करें. यहाँ पे एक मैथ स्किल्स दे रखा है, इस यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको मैथ में क्या क्या मार्क करना है. प्लीज डू मार्क दीज थिंग्स. ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें बता रखनी है. आइलैंड्स मार्क करिए, कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नदर मोस्ट लैटिट्यूड मार्क करें. तो प्लीज डू मार्क दीज थिंग्स. ठीक है, दिस इज योर बेसिकली असाइनमेंट. प्लीज आप इस क्वेश्चन को करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा. ओके, सो हैव अ गुड डे. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा. प्लीज Part 1, Part 2 एंड Part 3 आप कंप्लीट वीडियोस देखें, इस पूरे चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर्स देखें. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. सो थैंक यू फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. कीप योर सेल्व सेफ.